हाय दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके चैनल पे पिटाई एजुकेशन में। आज मैं लाए एक नई वीडियो शिशु यूनिवर्सिटी तरफ जैसे आपके लिए अपडेट रहते हैं एग्जाम फॉर्म्स के रिजल्ट के बारे में, और आपके जो एडमिशन फॉर्म अपने ओपन हुए हैं चल रहे हैं, सभी ओल गवर्नमेंट जितने आपकी शिशु यूनिवर्सिटी पर भी अपडेट आ रही हैं, सभी रिकॉर्डिंग जो भी चल रही है आपकी, तो आगे जो अपडेट होते हैं आपके यहाँ आपके शिशु यूनिवर्सिटी साइट पर यहाँ पर मिल जाते हैं। तो आज भी आपके जो बी एड के सेक्शन के बारे में आपकी वीडियो बनाई जा रही है, जो इंटरनल एग्जाम होना है शिशु यूनिवर्सिटी ने आपको अपडेट दिया है कि एग्जाम होना है, क्या होना है, कहाँ पर होना है, किस बारे में आपको एग्जाम होना है, तो इसे नोटिस जारी किया गया है। तो देखें सिंपल तरीके से चेक कर लेंगे किस तरह आपको देखना है ये नोटिस अपडेट हुआ है। तो ऐसी नई जानकारी के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा दोस्तों। चाहे अगर वीडियो को पसंद आए तो वीडियो लाइक शेयर जरूर करें। नई नई वीडियो अपडेट देखने के लिए कोई भी नोट अपडेट आता है आपको शिशु यूनिवर्सिटी साइट में यहाँ पर आपको मिल जाता है। जितनी आपको अपडेट मिलेगी दोस्तों यहीं पर आपको मिल जाएगी। सिंपली आप देख सकते हैं बीएड सेक्शन 26 तारीख को नोटिस अपडेट हुआ है, उसे ओपन करके आप देख सकते हैं। जिसे ओपन करेंगे आप क्लिक करके तो एक पेज आपका रिडक्ट हो जाएगा, ये आपको यहाँ पर खुल जाएगा। तो चौथे चरण से विद्यालय की तरफ से जो मेड अपडेट हुआ है, तो ये जो आपका एग्ज़ाम होना है बीएड फॉरेस्ट का, तो उसका काउंसिलिंग जो होगी उसके बारे में ये आपका बताया जा रहा है। तो किस तरह का काउंसिलिंग होगी, जब परीक्षा होगी तो उसके बारे में नोटिस अपडेट हुआ है। तो पढ़ लेते हैं जो बीएड परीक्षा की काउंसिलिंग प्रक्रिया में सम्मिलित होने वाले महाविद्यालय संस्थानों की संबंध में जो आपके एग्ज़ाम होगा बीएड का, उसकी जो इंटरनल एग्ज़ाम हो आपकी होना है, अभी इसकी न्यूज़ के माध्यम से आपको बताया जा रहा है, कोरोना वायरस के चलते हुए लॉकडाउन के चलते हुए अभी एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, तो उसके एग्ज़ाम की तिथि आ गई है 15 जुलाई, इसमें बताई जा रही है अभी कि अभी जो आपको देख सकते हैं उस साइड में आपको मिल जाएगी। तो उसके रिलेटेड में आपको बताया गया है कि जो विषय शासन के पत्र के अंतर्गत 2020 के संदर्भ में ग्रैंड फर्स्ट जारी किया गया है, कोविड-19 के चलते हुए लॉकडाउन के विशेष कारण परिस्थितियों को बीएड का जो पाठ्यक्रम आपका चालू होने वाला है 20 से 21, वो उसकी तिथि बढ़ाकर अंतिम तिथि जो आपकी कर दी गई है वो 15 जुलाई कर दी गई है 2020 की। तो इस शर्तों के अनुसार जो आपको तिथि गई है, तो बीएड पर की परीक्षा जो होगी वो 2020 में ही अभी लागू होने वाली है। तो जो आपकी अपडेट होगी, जो काउंसलिंग होगी, आपको बढ़ाकर 15 जुलाई कर दी गई है, आपका एग्जाम होना है इंटरनल एग्जाम जब को होना है बीएड का, तो उसकी प्रक्रिया जो आपकी होगी महाविद्यालय संस्थान द्वारा वेरिफिकेशन जो होगा उसके बारे में अपडेट आ रही है। शासन के उपयुक्त जो संदिग्धों का पालन करना है, सूचित किया जाता है कि बीएड पाठ्यक्रम शैक्षिक सत्र जो आपका स्टार्ट होना है, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया है 20 से 21, तो हेतु निरीक्षण मंडल जो 5 जुलाई का सदस्य शिक्षक के महादशा में विद्यालय के उपलब्ध कराना सूचित करेंगे। जितनी आपकी अपडेट होगी दोस्तों वो सूचित कराया जाएगा आपकी महाविद्यालय में यूनिवर्सिटी में, यानी कि यूनिवर्सिटी में आपको इसके द्वारा आपको दिया जाएगा। तिथि के पश्चात कोई भी संबंध आपका प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाएगा। अगर कोई प्रस्ताव आपका लग देते हैं, दिशा लग देते हैं, तो आपको कोई भी प्रस्ताव निरस्त कर दिया जाएगा, साफ सबको किया गया है। जैसे आपको परीक्षा होगी उसके बाद जो काउंसिलिंग आपकी स्टार्ट होगी, तो 15 जुलाई से देख सकते हैं 15 जुलाई शर्तों के अनुसार आपकी बढ़ाई गई है, तो इसके नियम के अनुसार आपकी कम्प्लीट हो सकती है। जैसे कोई अपडेट आपको आती है दोस्तों, नहीं आपको एग्जाम होना है, प्रवेश की परीक्षा आपको कभी भी एडमिट कार्ड जारी हो सकते हैं अगले महीने में, और ऐसी नई नई अपडेट आपको मिलती रहेगी ऐसे जब आपको देख रहे हैं बीएड के रिलेटिव में, जितनी आपको अपडेट होती है तब साइट पर मिल जाती है, जिसकी आप देख सकते हैं आपको सभी मिली हुई है। अभी हाल ही में जो एग्ज़ाम होने अपडेट आ रही है न्यूज़ के माध्यम से, उसके बारे में आपको बताया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, आपको जल्द मिल जाएगी। तो ये आपको बीएड के माध्यम में बताया गया जो इंट्रेंस एग्ज़ाम होना है, छोटी सी वीडियो बनाई गई एग्जाम काउंसलिंग कैसे होगी, कब पढ़ोगी, क्या होनी है, इसके बारे में आपको डिटेल दी गई है नोटिस के माध्यम से। तो ऐसे नई नई अपडेट देखने को सब्सक्राइब जरूर करें, और मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत। ये केवल आप करो ये दोस्तों जो बताया गया इसके बारे में आपको, ये बी एड इंटरनल एग्जाम के लिए बारे काउंसलिंग के बारे में बताया गया, काउंसलिंग कैसे होनी है, कब तक होनी है, उसकी अपडेट दी गई है। तो एग्जाम के बारे में आपको जरूर जब नोटिस अपडेट मिल रही है आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।